पुलिसना पत्रकार नागरिक हूँ जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे। है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे? आदमी छोटे हैं साहब, आदमी छोटे हैं साहब, हम का बढ़ते बीच में, हम बचाने भी गए थे, तीन पड़का खींच के मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, अधमरा वो गिर पड़ा, फिर इतना धन लाठियां, पांव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी, सब खून तो इतना वाह के हमसे देखा ना गया। सब एक एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो घर जूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरा होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। जो एक कन्वर्सेशन शुरू करना चाहता था, मैं बस चाहता था कि लोग बात करना शुरू करें। पता नहीं, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि डर का माहौल है, मुझे कभी लगा नहीं। और मैं आप लोगों को बताऊं, ये पोयम जो आप लोग सुन रहे थे, ये एक साल से यूट्यूब पर, मतलब एक साल पहले मैं ये बोल चुका था, तब भी कोई डर नहीं था, और एक साल से जो था कोई भी डर नहीं था, सिर्फ हम लोग डरे हुए थे। मुझे काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अब नहीं डर लग रहा, हम बोल पा रहे हैं, तो पहले भी नहीं लग रहा था, बस हमने मान लिया था कि हम डर, बस मैं बस वो सुना के अपना काम, उस कन्वर्सेशन को थोड़ा और कंटिन्यू करना चाहूँगा। कि नज्म का नाम है वास्तविक कानून। एक सड़क पर खून है, तारीख तपता जून है, एक उंगली है पड़ी और उस पर जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान, अब कौन होगा हुक्मरान, जब चुन रही थी उंगलियां ये उंगली भी तब थी वहां, फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिसमें इसका है कहां, मर गया के था ही ना, कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां, कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या, कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया, क्या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या, धर्म का उपदेश क्या था, कौन थे वो देवता, ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक हूँ जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न है, सीधा उत्तर दो मुझे। है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे? आदमी छोटे हैं साहब, हम का बढ़ते बीच में, हम बचाने भी गए थे, तीन पड़का खींच के मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, अधमरा वो गिर पड़ा, फिर इतना धन लाठियां, पांव की हड्डी मिटा दी, मांस की लुगदी बना दी, सब खून तो इतना वाह के हमसे देखा ना गया। सब एक एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो घर जूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरा होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहब, खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो खुद समझ आया नहीं, ना कोई इंसान उनमें, ना कोई था आदमी, साथ मिलकर शेर बन गए, किधरों की भीड़ थी, नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी, हाथ में थी लाठियां, तो भैंस भी उनकी ही थी, और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है, पूछो इस उंगली से तुम, क्या यहाँ घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिस्म से ये क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है उंगली में, पर जान थी स्याही उस नाखून पे, जो देश का सम्मान थी, बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया, जी रहे थे कैद में, मौत दे दी शुक्रिया, नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी, अरे आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी, आपसे कैसी शिकायत, आप तो हैं नींद में, आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को, कीजिए इस पर बहस, पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा है कहां अंबेडकर,
सब बराबर हैं अगर तो बस मुझे ही क्यों चुना, तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां। असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो तुम, असलियत से बेखबर हो शहरी हो दिल्ली से हो, एक हिदायत दे रहा हूँ सोच कर बोला करो, तुम सवालों से भरे हो क्या तुम्हें मालूम है, भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है, तफ्तीश करने आए हो खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से, चार दिन चर्चा उठेगी डेमोक्रेसी लाएंगे, पांचवे दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे, काम से ही काम रखना तुम, काम से ही काम रखना, हाँ मगर ये याद रखना कोई पूछे कौन थे बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे, फिर भी घर कोई जिद पकड़ ले क्या हुआ किसने किया, फिर भी घर कोई जिद पकड़ ले क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना कट रही हैं उंगलियां, बात को कुछ यूं घुमाना नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ सब लोगों से और सारा मतलब सब कुछ हटा के एक इंसान से इंसान के नाते कहना चाहता हूँ, अगर हम बोलेंगे नहीं ना, एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो हम हमें जानवरों से अलग कर रही है, हम बोल सकते हैं, हमने लैंग्वेज बनाई है इसीलिए कि हम उनको शब्दों के माध्यम से बात करें, सच कहने का साहस और सलीका दोनों बहुत ज़रूरी है किसी भी तरीके से, और सिर्फ एहतजाज किसी के अगेंस्ट नहीं होता, अपने घर में भी होता है, अपने खुद के अगेंस्ट होता है पहला एहतजाज कि मैं ये नहीं करूँगा या फिर मैं बात करूँगा, अगर मुझे किसी बात का इतना सिंपल कि किसी बात का बुरा लगा है तो मैं उसको जाके बताऊँगा कि मुझे तेरी बात का बुरा लगा, ना कि अपने मन में लेके रख ले, हर चीज़ के बारे में बात की जाए, हम लोग इतने समझदार हैं कि बोल सकते हैं, बस बोल देंगे ना तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सारी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी, हर परेशानी खत्म हो जाएगी, हम बोलते नहीं, हम सोचते हैं इसको बुरा लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर ऐसा लग रहा है कि बुरा लग जाएगा तो और ज़्यादा अच्छे शब्द ढूंढिए, और ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ ढूंढिए कि कैसे बोलूं, लेकिन वो बात कन्वे करनी बहुत ज़रूरी है, और यही कोशिश थी भी मेरी, और बस आप लोग भी प्लीज़ एक है किसी के अगेंस्ट नहीं, सब लोग एक जैसे हैं, मुझे लगता है कि इंसान ना, मैंने कहा भी कहीं पे कि बस ज़िंदगी के मारे हम लोग, जैसे एक तो मुझे एक गज़ल याद आती है, बनाई रूह उस पे जिस्म का चेहरा लगाया है, बनाई रूह उस पे जिस्म का चेहरा लगाया है, कज़ा की जद मिला के वक्त का पहरा लगाया है, हुआ पैदा हूँ जिस दिन से मुसलसल मुंतजर हूँ मैं, हुआ पैदा हूँ जिस दिन से मुसलसल मुंतजर हूँ मैं, मेरे सयाद ने आते हुए अरसा लगाया है, रिहाई तो मिली लेकिन मुझे जीना पड़ा तब तक, जिंदगी से ज़्यादा बड़ा दर्द कुछ नहीं है, रिहाई तो मिली लेकिन मुझे जीना पड़ा तब तक, खुदा ने खाक का सौदा बड़ा महंगा लगाया है, समझना है अगर इसको किनारा छोड़ना होगा, समझना है अगर इसको किनारा छोड़ना होगा, मुकम्मल ने गजल का काफिया गहरा लगा है। तो हम सब लोग एक ही चीज के मारे हैं, वो है जिंदगी, और जब तक मर नहीं जाते तब तक तो खुशी खुशी जी लेते हैं, इससे आसान इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी, सो बस ये कहना चाहता हूँ, जाते जाते मैं अंकुर को बुलाना चाहता हूँ कि इस नोट पे ना छोड़े, एक वो एनर्जी बनी रहे हम लोगों के अंदर ताकि हम बदल सके, बदलना बहुत ज़रूरी है, जैसे आप लोग ने इतने प्यार सुना, जाते जाते एक और पोएम सुनाना चाहता हूँ, एक आदमी, एक कविता का नाम है, मेरे मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी, एक आदमी है मेरे घर में वो जाने क्या चाहता है, एक आदमी है मेरे घर में वो जाने क्या चाहता है, बंद कर लेता है घर का हर एक दरवाज़ा, कोई बहती हवा कोई नई सुबह उस तक ना आ जाए, कोई मंजर नया उसको कभी अच्छा नहीं लगता, पुराने हर एक चेहरे से उसे है डर बहुत लगता, बदल जाते हैं सारे वक्त के सब साथ बहते हैं, घड़ी भर को ठहर के साथ फिर चलने को कहते हैं, बहुत सहमा हुआ है वो बदलती जा रही दुनिया, अकेला वो ही ठहरा है निकलती जा रही दुनिया, वो चाहे सारे रिश्ते कैद कर ले बंद कमरे में, जहाँ उसकी तरह सब सांस लें गुजरे हुए कल में, ये जो आज है उसको कभी अच्छा नहीं लगता, जहाँ भी जाएगा वो ढूंढता है बंद एक कमरा, जहाँ कोई भी ना हो जो उसे ये याद दिलवाए, बनाया था जो मेहनत से वो अब गुजरा जमाना है,
बदलना ही हकीकत है, मिटा के फिर बनाना।